और फिर वो कविता पन्नों पर उतरती है और फिर किसी दिन वो सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। तो राजेंद्र कौर जी, तुम जो आए महफिल में, दिल गए हाथ से ईमान गए, आप दोनों को ये शेर समर्पित है। सेहतनामा में राजेंद्र कौर अभी हाल ही में इनका ये चैनल चल रहा है, चैनल्स के साथ काम कर चुकी हैं। अश्वथ सर को सुनना एक हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ओवर टू यू मैम, क्योंकि समय का अभाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिस वजह से मैं अभी सर की प्रोडक्शन नहीं दे रही, वो अब आपका काम है। ओवर टू यू। शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया इस महफिल में शामिल होने के लिए, और जिस अजीम शख्सियत के साथ हम आज रूबरू होने जा रहे हैं गुफ्तगू का आगाज करने से पहले, इस सेशन के बाद आखिर में अगर कुछ सवाल आपके जहन में आए तो ज़रूर अश्वथ भट्ट जी के साथ आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस्तकबाल, खुशामदी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। सो जाहिर तौर पर शुरुआत मैं आपके इस फिल्मी सफ़र से ही करना चाहूँगी, कश्मीर, कश्मीर से दिल्ली, एनएसटी और फिर हॉलीवुड, फिर बॉलीवुड। सो ये सफ़र कैसे, कब शुरू हुआ, कब सोचा, कब ख्याल आया कि अदाकार बनना है? क्योंकि कई बार कहते हैं ना, बचपन में ही सपना देख लिया कि बड़े होके एक्टर बनना है, सो कुछ ऐसा था? बचपन में ही सपना देख लिया था। ओके। तो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था अपने जीवन में। तो मैं इसीलिए बहुत, आई एम ब्लेस्ड एवरी डे, आई काउंट इट एज माई ब्लेसिंग। तो इसलिए मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इतने सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ जिंदगी मिलते हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते थे, इसलिए मैं यही कहूँगा कि I'm blessed। So, जब NSG गए दिल्ली, तो ये तय था कि मुंबई जाना है? नहीं। Please keep quiet at the back। So, वो कैसे NSG से मुंबई तक का सफर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं, जब मैं NSG में था तो मैंने सोचा कि मैं मुंबई जाऊंगा। इनफैक्ट सब लोगों को लग रहा था कि, क्योंकि अक्सर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोई थोड़ा ढंग का दिखने वाला आ जाए तो लगता है सब मुंबई की ट्रेन पकड़ेंगे। तो मैंने जो बोलते थे बोलने वाले, मैं हमेशा कभी बोलने वालों को टोकता नहीं, क्योंकि आपको अपने कान बंद करने होते हैं और अपना लक्ष्य देखते रहना होता है कि आपको जो करना है आपको करना ही, बस वो ठाननी होती है। तो वो बोलते रहे कि भाई बॉम्बे जाएंगे, और मैं पहुँच गया फ्रॉम टिंसल टाउन और यू नो बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जगह मैं लंदन पहुंच गया स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए। तो वो सबको हैरत हुई कि ये तो थिएटर ही कर रहा है, और रंगमंच ही करता रहा। आई वाज इन लंदन एकेडमी स्टडिंग देयर वेस्टर्न क्लासिकल पे, मेरा काफ़ी काम रहा एक्टिंग पे। तो देन आई गॉट एन अवार्ड देयर, तो एंटाइटल्ड मी टू डू अनदर ईयर देयर। तो वो हुआ, तो उसके बाद पढ़ाने लग गए तो यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए एक के बाद एक चीज़ होती रही लाइफ में, मतलब आई नेवर प्लान थिंग्स मच एक्सेप्ट वन थिंग कि मुझे यही काम करना है बस जब तक जीवित हुआ। कुछ ऑफर आया, फिर आपने मुंबई का सफ़र तय किया? अब मुंबई का सफ़र बहुत लेट हुआ, क्योंकि मेरे को लिखने के लिए बुलाया गया एक्चुअली। ये अजीब बात होगी कि मुझे राहुल ढोलकिया साहब, जो परजानिया फिल्म अगर आप लोगों ने नया देखी हो तो देख लीजिए, बहुत कमाल की फिल्म है, नेशनल अवार्ड विनर है। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म देखने के लिए बुलाया, मैंने ही उनको अप्रोच किया, मुझे पता लगा ऐसी फिल्म बन रही है कश्मीर में। तो मैंने कहा कि मेरा रिसर्च काफ़ी है, तो मैं चाहता हूँ इस रिसर्च का इस्तेमाल हो, इट शुड बी यूज्ड। एंड व्हाट हैपेंड दैट के उनसे बातचीत हुई, और मैं एक्चुअली बॉम्बे फर्स्ट टाइम लिखने के लिए गया, ना कि एक्टिंग करने के लिए गया। लेकिन मैं फिर भी रंगमंच से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थिएटर का इतना बड़ा हाथ है, क्योंकि आई एम समबडी थिएटर एक्टेड एज थेरेपी। मैं अक्सर बोलता हूँ थिएटर एक्टेड एज थेरेपी फॉर मी, क्योंकि जिस ट्रामा से मैं कश्मीर से निकला था, वो चीज़ें हुई थी घर में, तो उसके बाद थिएटर ने वो सब कुछ दिया, टू कॉक द बिटरनेस आउट ऑफ यू। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको हल्का होना है, तो यू कैन नॉट लिव विद बिटरनेस। अभी सर को हम सुन रहे थे, तो इतना कुछ मेरे को मन कर रहा था मैं उनको सुनता ही जाऊँ,
I could relate to a lot of things what he was saying about, because there was a phase in my life jahan kitabein mein I was a good student and then suddenly I became a very very, I won't say bad student, but I was somebody who was not at all interested in education, like books. मैं अपनी किताबों के अलावा सब कुछ पढ़ता था. और फिर एक दौर आया कि जब वो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वही मैंने कहा ना आपसे, जो आप पढ़ना चाहते हैं जब वो मिलता है आपको तो आप डॉक्टर साहब बन जाते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने को बोली होती तो कुछ और हो जाता. तो इट्स जस्ट लाइक आई ऑलवेज से कि आप जो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट टेल ए फिश टू फ्लाई एंड यू कैन नॉट टेल ए बर्ड टू स्विम, तो ये वाली बात है. तो हर आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस उसको निखारने और उसको ढूंढने की जरूरत होती है. एंड दैट इज समथिंग विच एवरी बडी इज नॉट एबल टू, आई एम बीइंग ऑनेस्ट. सो आप खुद को बतौर लेखक के तौर पर देखते थे या बतौर अदाकार के तौर पर जब तक आपने एंट्री नहीं की फिल्म्स में? आई वॉज राइटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, तो इसलिए वो वापस मैं वहीं गया. हाँ, मैं खुद के लिखना, खुद के लिए कहानियाँ लिखना, मैं कहानियाँ बहुत बातें करता हूँ. मैंने आज बताया था कि मैं हर किसी से बहुत सवाल पूछता हूँ, मेरी इंक्विजिटिव है, मैं हर किसी से बहुत सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर आदमी में स्टोरी छुपी हुई है. कहाँ से कौन सा लिंक कहाँ जुड़ जाएगा कल को पता नहीं होता. और कितनी सारी कहानियाँ हैं जो हमारे राइटर दोस्तों से बैठते हैं कभी कभी, तो मैं उनसे बैठता हूँ. तो मैं कल रात, आज मैं सुबह तक शूट कर रहा था अमृतसर में, तो आधा मैं इनफैक्ट आई एम हाफ स्लीप, मतलब मैं उठा तो सुबह तक शूट कर रहे थे. सडनली समथिंग हैपन, तो कुछ चेंजेस आई सीन में. सो हम लोगों ने एकदम उस पर कुछ दिमाग चलना शुरू हुआ. तो आई कॉल्ड माई राइटर फ्रेंड हु वाज राइटिंग द फिल्म, तो मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे. तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप लाइफ में इंक्विजिटिव खोजते रहते हैं. टू सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव इन एनी प्रोफेशन. इफ़ यू सर्च स्टॉप्स देन यू आर गॉन. तो सर्च बहुत ज़रूरी है. तो वो करते रहे, तो इसलिए वो काम मैं अक्सर कहता हूँ कि आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट, आई एम अ परफॉर्मर फर्स्ट ऑलवेज. एज अ परफॉर्मर आई कीप सर्चिंग. एंड एक एक्टर को या एक आर्टिस्ट को, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को एक्टर बोलूँगा मैं, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत पढ़ना ज़रूरी है. लिखने के लिए कहते हैं पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एक्टर के लिए भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप, मतलब आपकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड चाहिए आपको, क्योंकि आप वो किरदार कर रहे हैं. मैंने कभी जनरल जिया को देखा नहीं यूट्यूब के अलावा और चीज़ें. अब मैं कैसे जनरल जिया को मैं करूँगा अगर मैं, मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, एक रियल लाइफ एक पर्सनैलिटी रहे हैं, या फॉर देट मैटर कोई और ऐसा शख्स है कोई जो अलग अलग किरदार कर रहे हैं, तो आपको ढूंढना पड़ता है तो उसके पीछे क्या उसकी बैक हिस्ट्री. सो मैं आपको बता दूं, राजी हैदर केसरी में आप देख चुके हैं अशफाक भट्टी को, और हाल ही में रिलीज हुई है मिशन मजनू, जनरल जिया उल हक के किरदार में नजर आए हैं अशफाक भट्टी. सो उस नहीं, हाँ रियल लाइफ में तो आप मंटो पे भी मैं आऊंगी. मैं बहुत, मेरा इंटरेस्ट रहा है कि आप, जब मैंने सारे आपके थिएटर वाले प्लेज देखी उसमें यूट्यूब में भी, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल कि आपने ग्रेजुएशन एनएसटी से की, फिर आप लंदन गए, लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने वहाँ से. कितना फर्क था एनएसटी में जो सीखा वहाँ जो सीखा? इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और वैसे भी मैं एक लाइन हमेशा यूज़ करता हूँ, वो ये है कि एनएसटी गेव मी क्वेश्चंस एंड लैम्डा गेव मी आंसर्स. सो जो अगर एनएसडी नहीं की होती तो लैम्डा की चीज़ें बाउंसर जाती. तो इसलिए एनएसडी की अपनी एक जगह थी, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के गुरुओं ने जो सिखाया वो अपनी जगह पे, क्योंकि आपकी एक बिल्डिंग है उसकी जो नींव होती है वो बहुत, किसी भी चीज़ की नींव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर सब कुछ दारोमदार है. क्योंकि फिर कितने ही जलजले आ जाएँ आप हिलते नहीं हैं, कुछ थोड़ी चीज़ें, फर्नीचर टूट जाएगा, कोई लाइट गिर जाएगी, चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी. सो वो बुनियाद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें एनएसडी का बहुत बड़ा हाथ है. ऑफकोर्स आपकी लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, एंड वेरी अर्ली एट योर अर्ली एज जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनसे आप कैसे उनको लेते हैं, दैट इज आप एन इंडिविजुअल, बिकॉज यू कैन बी बेटर और यू कैन बी बेटर, इट्स योर चॉइस. सो यहाँ के आर्ट और कल्चर से निकलकर आप जब उस दुनिया में पहुँचते हैं जो एक्टिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, क्या फर्क, क्या अलहदा था वहाँ पर यूरोप में? यूरोप में तो बेसिक आई वुड से कहीं पे भी कोई चीज़ हो उसको वर्क कल्चर बोलते हैं, वर्क एथिक्स बोलते हैं,
तो उतना ही फर्क था, जो अब यहाँ भी बहुत हद तक धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है, लेकिन इतना ही फर्क था। वरना मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया, मैं अभी भी जर्मनी में पढ़ाता हूँ, अभी भी जाके तो हर साल जाता हूँ, सिर्फ कोविड में नहीं जा पाया, बाकी तो सब हर साल जाता हूँ पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाता हूँ पढ़ाने के लिए। द ओनली थिंग विच आई सी देयर इज विच इज हैपनिंग हियर ऑल्सो इज दैट इफ समबडी इज डूइंग समथिंग तो द पर्सन वॉन्ट्स टू डू इट, वो जबरदस्ती नहीं करा सकते, मतलब उसका मन होगा तभी करेगा, और करेगा तो फिर शिद्दत से करेगा, वरना नहीं करेगा। ये क्लियर कट है मामला। या वो शुरू में ही आपसे बोल देगा कि आई एम एक्सप्लोरिंग एंड आई ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मुझे काम, मैं देख रहा हूँ क्या करूँगा, तो वो तो आधे मन से काम करेंगे। ये मेरी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं हर जगह हर टाइप के लोग हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है कि आप एंड यू नो वर्क हार्ड पार्टी हार्ड वाली बात वहाँ पे काफ़ी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो यहाँ यहाँ भी अब हो गया है, काफ़ी प्रोफेशनल्स अब अच्छे बन गए हैं सब लोग। कल हम सारी टीम 150 लोगों की काम कर रही थी रात को, तो सब लगे हुए थे काम कर रहे थे, लड़के लड़कियाँ टीम डायरेक्टर एक्टर सब लगे हुए थे, बिकॉज इट्स बिकम वेरी प्रोफेशनल नाउ, क्योंकि इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। तो अब धीरे धीरे वर्क कल्चर इज डिफरेंस, नथिंग एल्स। सो जब एक स्टूडेंट के तौर पर आप वहाँ पहुँचे, और अब जब आप एज अ टीचर पहुँचते हैं, उसमें क्या जुदा होता है? एज अ स्टूडेंट इट वॉज अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर, उस कल्चर को समझना उस चीज़, और परफॉर्मेंस आर्ट में क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ साथ परफॉर्मेटिव भी है ना, आपको इट्स नॉट ओनली कि अ राइटर और यू आर डूइंग अ थीसिस एंड आपको कोई देख नहीं रहा है। सो इफ यू आर ऑन स्टेज आपको एक्सेंट भी पकड़ना है, आपको एक मीटर भी पकड़ना है, आपका एक आयम्बिक मीटर है मान लीजिए शेक्सपियरियन का, तो आपको पकड़ना उसकी शिद्दत मेहनत लगती है आपको, फिर आपको एक्सेंट पकड़ना है किसी चीज़ का, या आपको एक जैकोबियन ड्रामा का पकड़ना है, आपको चेकोव का चेकोबियन पकड़ना है, तो ये सब चीज़ें रियलिस्टिक ड्रामा का कोई जो उसके जो ग्रामर है तो उसमें समय लगता है चीज़ें पकड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये एक्टिंग की गुड़ बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब जो मैं जाता हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन अब रेड नोज क्लाउनिंग है, और उसमें तो इट्स लाइक आई व्हाट दे लाइक आई थिंक अबाउट इज दैट आई ब्रिंग द ईस्ट इनटू वेस्ट आल्सो, आई मैं दोनों का मिक्सचर हो गया हूँ, तो आई हैव डेवलप टेक्निक्स विच आर फ्रॉम अवर ओन कल्चर एज वेल, सो पीपल एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी स्ट्रेंज दैट वी आई ऑफन से एंड वी ऑल्सो नो इट कि वी आर नॉट सो इंक्लाइंड ऑन अवर ओन ancient in many places, it's a general statement, but a lot of places they still want to go western, वहाँ क्या टेक्निक है, और वो लोग हमारे पीछे पड़े मुझसे पूछते हैं कि आपकी टेक्निक क्या है, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है आपकी, ये क्या, वो मेरे को पूछते रहते हैं योगा क्या है, मैंने कभी मैं योगा का पंडित नहीं हूँ, जितना मुझे पता है मैं अलेक्जेंडर का मास्टर हूँ, तो वो मुझे अक्सर तो बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि एवरीबडी कमिंग फ्रॉम इंडिया में भी नो योगा, तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, मैं सूर्य नमस्कार करके दिखा दूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ किसी चीज़ की, तो इसलिए आप इस चीज़ पे एक्सपेक्ट ना करें। तो ये है कि इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड हाउ मच पीपल आर इंटरेस्टेड एंड देन लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू इंडिया, माई स्टूडेंट्स और पीपल और फ्रेंड्स दे एक्सप्लोर दे ट्रैवल अराउंड कंट्री, सो बहुत इंडिया में इंटरेस्ट है लोगों का, स्पिरिचुअलिटी को तो लेकर है ही, लेकिन ओवरऑल तो इमेज अच्छी है। हाँ इमेज अच्छी है, या मिली जुली देखिए जब यहाँ की कुछ ऐसी चीजें जाएंगी जो वर्ल्ड एक्टिंग वर्ल्ड में स्पेशली एक्टिंग वर्ल्ड में दे रिस्पेक्ट आवर वर्क, नाट्य शास्त्र हमारा यहाँ का इतना वर्ल्ड जो जानते हैं वो जानते हैं कि कब लिखी गई, यहाँ तक कि स्टैनिस्लावस की जो बहुत ही बड़े गुरु माने जाते हैं, स्टैनिस्लावस की ने भी जर्मन ट्रांसलेशन में नाट्य शास्त्र की का अध्ययन करवाया था, तब जाके वो अपनी वो लिख पाए अपनी जो माई लाइफ इन बिल्डिंग ए कैरेक्टर वो सब चीजें हुई, क्योंकि पात्र और कैरेक्टर दो अलग चीजें हम हमारे बताए नाटक में जी मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और पात्र, तो इनके कंसेप्ट थोड़ा अलग है, जो मैंने कहा आपसे ये बहुत एक्टिंग की बातें हैं, टाइम समय कम है, तो इसलिए क्योंकि पात्र एक्टिंग एक चीज़ नहीं है जो बोला जाता है, वो तो अलग चीज़ें हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। बहुत संजीदा एक्टर के तौर पर आप जाने जाते हैं, और हालिया जो फिल्म आप शूट कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए, हालिया जो प्रोजेक्ट है अभी जो चल रहा है वो इट्स अ फिल्म कॉल्ड डिप्लोमैट्स अमृतसर में जिसकी शूटिंग हाँ अभी यहाँ भी हुई थी शूटिंग, बहुत दिन हमने यहाँ शूट किया नवंबर और दिसंबर में, एंड ये फिल्म इस साल में आ जाएगी, इट्स कॉल्ड द डिप्लोमैट और रियल लाइफ कैरेक्टर हैं आपका किरदार? नहीं मेरा तो काइंड ऑफ फिर थोड़ा इमेजिनरी है, लेकिन जो उसमें मैं लीड कर रहा हूँ जेपी सिंह जी हैं उनका कैरेक्टर है, सुषमा स्वराज जी हैं उसमें, हाँ तो मैं बताता सर आपको मैंने नाम तो भी लिया, मेरे को पता था किया होगा, तो
तो इनकी स्टिंग जो थी वहाँ पे इस्लामाबाद में, जब उसके बाद वो एक कुज़मा अहमद का केस हुआ था उस पर बेस्ड थे। अश्वथ जी को हम डिफरेंट किरदार में देख पाएंगे इस फिल्म में? कोशिश यही है, क्योंकि मेरे को खुद ही को अच्छा नहीं लगता है वैसे देखना कि जो मैं कर चुका हूँ। मैंने अपने डायरेक्टर साहब से कहा कि मैं अक्सर मैं वो फिल्म अक्सर मेरे को जितनी फिल्में आती हैं मैं मना करता हूँ। मेरी मैनेजर बोलती है कि आप काम करना भी चाहते हो कि नहीं। मैंने कहा देर शुड बी अ हुक इन लाइफ, देर शुड बी अ हुक विच मेक्स यू डू थिंग्स, कि आपको कोई भी कैरेक्टर करने के, मैं कहता हूँ बड़ा छोटा मुझे मैटर नहीं करता है, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, द स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट इज वॉट इज द हुक फॉर मी, वॉट आई एम लर्निंग एवरी डे, बिकॉज यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो, यू आर एज गुड एज योर लास्ट शॉट। क्योंकि आपने एक शॉट दे दिया, आपने बहुत ब्रिलियंट ताली बज गई, आपको फिर से जीरो से शुरू करना है अगला शॉट देने के लिए, तो आप नहीं बैठ सकते थे। मैं तो भट्टे चक दिए ऐसे बोलते हैं ना, तो झंडे गाड़ दिए, आपको झंडा फिर से गाड़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल। एंड आज मेरा शो बहुत अच्छी ऑडियंस है, मेरा शो कमाल हो गया, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्टर है। कल 19-20 हो गया, वो ऑडिशन से ऑडियंस ये गई यार नाम बड़ा सुना था, कुछ खास नहीं था। सो इट्स लाइक यू हैव टू बी एवरी डे ऑन योर टूज, एंड इन अ वे इट्स माई चॉइस। माई मॉम सेज कि तू कहता था बचपन में कि ये पढ़ाई खत्म हो गई, याद बात करके ना पढ़ाई खत्म हो गई मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। कहा तो ऐसी जगह फंसा जहाँ हर दिन याद करना पड़ता है। हाँ तो मैं देखती हूँ याद करते हो, कहते हैं हाँ पढ़ पढ़ याद कर, वेरी गुड। तो शी फील रिलीशियस दैट वेरी मच, तो आँख भी मारते हैं मुझे। हम ट्रैवल कर रही थी रिसेंटली, मैं अभी हैदराबाद में शूट कर रहा था, तो आई वाज इन होटल एंड प्रैक्टिसिंग माय डायलॉग्स एवरीथिंग, तो देख रही कहता है बेटा पढ़, अच्छा पढ़ता रहे। तो मैंने कहा आखिर दिन तक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अश्वथ, आप जो किरदार आपने अभी तक निभाए बॉलीवुड का शायद कल्चर है, आप एक में हिट तो आपको वैसे ही किरदार सिमिलर तौर पर खुश हैं उससे, या ये मैं ये कहूँ कि बॉलीवुड जिस तरह के संजीदा आप अदाकार हैं, आपके अंदर से बॉलीवुड जो निकाल सकता था वो निकाल नहीं पाया? देखिए पहले तो मैं कहूँगा कि जिस दिन एक आर्टिस्ट सेटिस्फाई हो जाए उस दिन उसकी मौत हो जाती है, मेरा मानना है, उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो यू कैन नेवर नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर एवर, इफ इवन इफ द डे वाज इफ यू डन दैट डे, बट दैट डजंट मीन कि आप जर्नी को एंजॉय ना करें, आप जर्नी को एंजॉय करें, बिकॉज जो मिलना है मिलेगा जिंदगी में, तो ऑस्कर जिसको जब मिलना है उनको उस दिन मिला, लेकिन जो जर्नी है उनकी उसमें मैंने वही कहा था कि मैंने कहा आज नाटू नाटू की बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन आप आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, तो कितने लोगों को पता है कि एम एम करीम या किरवानी जी का ही है, या तुम मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए, तो ऐसे कितने चुप चुप तुम रहो या जो भी है, मैंने दिल से कहा, मैंने कितने कमाल कमाल कहने हैं, किसी को नहीं पता है। क्योंकि इसलिए या इवन मैं कहता रहा हूँ कि रहमान साहब का जय हो से बहुत बढ़िया म्यूजिक रहा है अगर आप देखा जाए, लेकिन उस पर हो गया, तो अब वो उस पर नहीं रुके ना, बिकॉज आई हैड अ चांस टू वर्क इन हिज फिल्म टू नो हिम, तो ही समबडी हु इज वेरी यू नो दिस इज व्हाट कीप्स यू इंस्पायर्ड, कि इतना बड़ा एक आर्टिस्ट वो खोज रहा है, वो तड़प रहा है, वो ढूंढ रहा है चीज़ें, तो देन यू फील लाइक कि ये आदमी जिसको हम कहते हैं कि ये लेजेंड है, तो ये जब खोज रहा है तो जैसे मछली वो डालते हैं ना तेल के अंदर, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, हिल रही है मामला उसका, तो तल रहा है वो अपने आप को, तो देन यू फील कि इट्स नॉट यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स। Typecasting. I've been fighting, I've been speaking about typecasting a lot, but then what happens, certain things are in your hand. Kuch cheeze nahi hoti. Aksar kya hota na ki everybody wants to quickly finish their jobs of casting. Ab casting director ek aisa cheez hai jo aa gaya hai industry mein, pehle nahi tha. To usme ab yahi kar sakta hai insaan ki main kya karta hu ki meri process ye hai ki main jo pehle kar chuka hu wo na waisa dikhu, uske behavior do alag cheeze dikhe, jaise ki kisi ne mujhse kaha ki aapne Mehboob Saeed kiya राजी में और आपने जनरल जिया किया मिशन भजन, मैंने कहा जनरल जिया और महबूब सईद दो जमीन आसमान का अंतर है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट है, एज ग्रैप डिफरेंट है, एक रियल लाइफ है, एक इमेजिनेशन का एक फिगर ऑफ इमेजिनेशन है, और एक मेजर है, एक मतलब एक जनरल है, बहुत सा मतलब टोटली डिफरेंट है, फिल्म ही अलग अलग है, तो इसलिए अब उसमें ये आपको खुद ढूंढना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, या फॉर सीतारामम है या कोई आपका हैदर है या कोई भी, और बहुत सारे कैरेक्टर जो आपने नहीं देखे होंगे, मैंने इंडिपेंडेंस सिनेमा बहुत किया है, उसमें बहुत ही अलग अलग किरदार किए हैं, तो उसमें अभी मैंने मथुरा में किया है कि मैं एक रामलीला का राम बना हूँ, तो अब वो आने वाली है वो फिल्म, तो उसमें काफ़ी इस तरह
कहा भैया कहा होगा भैया कहा करते रहो अच्छा यूपी हाँ तो अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर का आदमी अब ये कर आप उस पुट इन लॉट ऑफ वर्ड्स हाँ कहा करते हो तो इसलिए आपको बात उस तरीके से लहजे को पकड़ना और चीजें करना वो भी आप सीखते हैं करना पड़ेगा आपका धर्म है दैट्स योर धर्म कर्म भी है धर्म भी आपका सीखना पड़ेगा कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते ख्वाब में ख्वाब है कि ये करूं ऐसा कुछ मैं सभी कुछ करना चाहता हूं बहुत लालची है कुछ खास मतलब जहन में हो आप गुरुदत्त साहब को देखते रहे दिलीप कुमार साहब आई मीन कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको पर्टिकुलर लगता हो कि काश मैं ये चाहे डिफरेंट फॉर्म में कभी कर सकूं मतलब मैं ये बोल सकता हूं आजकल मेरे को कॉमेडी मेरे दिमाग में बहुत उसी पड़ी है क्योंकि मैं रेड नोज क्लाउनिंग पे भी आऊंगी मैं कॉमेडी बहुत मुझे स्क्रीन पे करने को नहीं मिलती मुझे फाइंड एवरी डायरेक्टर फाइंड्स मी वेरी इंटेंस यू हैव दैट इंटेंस लुक उसका रीजन है कि मेरी आंखें तो हेडलाइट्स हैं तो दे वांट टू एक्सप्लॉइट देम ऑन स्क्रीन तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि मैं इनको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकता हूं और कॉमिक भी बना सकता हूं तो मेहरबानी करके बख्शें मुझे मैं आई वांट टू गो इनटू बिकॉज़ यू वांट टू एक्सप्लोर योर डिफरेंट जॉनर्स तो ऐसा कुछ नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इंसान करना चाहता है और आई वुड लाइक टू डू वेरी डार्क कैरेक्टर्स एज वेल तो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक 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 आर्टिस्ट के लिए कि आप एक्सट्रीम्स प्ले करें तो उसमें बड़ा आनंद और आपकी जो आपके ऑन सेंटर जो आपके ऑन सेंटर नहीं जो मैं हूँ मैं वो पोर्ट्रे करूँ वो मुझे करने बहुत मज़ा आता है तो इसलिए अक्सर मुझे लगता है यार ये तो बहुत आसान है यार ये तो नहीं होगा यार मज़ा नहीं आ रहा है तो आई वुड से लेट इट पास किसी और को दे दो तो ये संजीदा किरदार निभाते निभाते ये मस्खरे का किरदार कैसे रेड नोज क्लाउड ने ये जहन में कैसे आया बहुत अच्छा सवाल है ये मैं इसलिए सबसे शेयर भी करना चाहूँगा इस चीज़ को इसमें ज़्यादा तवज्जो चाहूँगा क्योंकि वो बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात दूसरी है क्योंकि ह्यूमर इज़ अ वेरी बिग टूल इन लाइफ मैं बहुत साल तक हंसा नहीं अपनी लाइफ में एंड आई वॉज वेरी बिटर एंड एंग्री एंड वेरी वायलेंट पर्सन उसकी कोई वजह उसकी वजह कश्मीर थी तो फिर देन थिएटर हैपन तो धीरे धीरे मुझे एक तरह से एक्सप्लोर करने का अपनी चीज़ों को मौका मिला देन आई रियलाइज कि द पावर ऑफ फॉरगिवनेस Then the power of forgiveness came in life, and that is something which created magic. And then when I went to England, तो क्या हुआ वहाँ पे हमने तो इंडिया में किसी को भी देखा अरे तो जोकर है तो जोकर का जो जॉन जो फॉर्म है वो बेसिकली रेडनोज क्लाउनिंग कहलाता है लाल रंग का नाच जो पहनते हैं अब यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है उस चीज़ हमारे यहाँ मस्करा है या अपने फोक ट्रेडिशन में काफ़ी हमारे हर ट्रेडिशन में एक कॉमिक फिगर होता है आप देखेंगे भांड भी भांड दोहे में भी मस्करा होगा या भांड पाथर में कश्मीर में या है नक्कल है या बाकी नौटंकी है हर फॉर्म में हमारे फोक फॉर्म में आपको एक मिलेगा एक वैसा एलिमेंट जो कॉमिक एलिमेंट होगा तो जो एक फॉर्म है इटालियन फॉर्म कॉमेडी दिलाते उससे प्रेरित होकर जो चीज़ निकली उसका नाम है जिससे निकला रेड नोज क्लाउनिंग तो आज वो बहुत पॉपुलर वर्ल्ड में तो उससे थेरेपी सेशंस काफ़ी होते हैं वर्ल्ड में तो जब मेरे को लैम्डा में इससे इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने कहा ये तो हमें पता ही नहीं है तो लोग उसको जोकर बोलते हैं देन आई अंडरस्टूड कि इट्स अ ह्यूज ह्यूज आर्ट फॉर्म जो इसको फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया आज काफ़ी प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में इसके बट फॉर लॉन्ग टाइम आई वॉज नोन फॉर दिस फॉर्म ओनली और अभी भी मेरे को कुछ लोग कहते हैं फादर ऑफ रेड नोज क्लाउनिंग इन इंडिया बट ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे लोग नए आ गए हैं काम कर रहे हैं एंड What transformation happened? I asked मेरी वर्कशॉप में लोगों से मैं एक सवाल पूछता था after every exercise कि how are you feeling? तो जर्मन में अक्सर बोलते हैं विवास विलिख तो अक्सर लोग कहते थे liberated, light, peaceful, happy. So ये चीज़ें क्यों हुई मैंने फिर से सोचा वो रिसर्च कैसे डॉक्टर साहब कहते ना वो रिसर्च करना पड़ता है तो आप रिसर्च किया आई फाउंड आउट ट्रामाज आर देयर सोशल कंडीशनिंग इज देयर प्रेशर आर वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री एंड नॉट एक्सेप्टिंग मेंटल हेल्थ तो इस केस में मुझे लगता है इसका हम ने क्या किया कि चिल्ड्रन विद कैंसर उन लोगों के साथ काम किया या जो डिफिकल्ट बैकग्राउंड में बच्चे हैं उनके साथ काम किया थिएटर गैराज प्रोजेक्ट करके मैंने अपना एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया तो आई फेल्ट कि जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन आया आई बिकेम लाइट नॉट बिटर अबाउट एनीथिंग इन दैट सेंस टेकिंग थिंग्स इन माई स्ट्राइड सो वो सब चीज़ें तब वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपने अंदर तो पावर ऑफ नोज रेड नोज कहते हैं वो मेरे को लगता है कि वो स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है और
इंग्लैंड में अगर एनएचएस में कोई वहाँ पे मेंटल हेल्थ की चीज़ें होती हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अक्सर वो बोलते हैं कि हाँ वो किसी प्रोफेशन के जाते हैं तो कहते हैं अक्सर साइकेट्रिस्ट कहेंगे उनको कि गो एंड डू अ क्लाउनिंग वर्कशॉप. सो द रीज़न वाई दे से बिकॉज यू गेट लिबरेटेड. और मेरी वर्कशॉप में हर एक फील्ड के लोग आए हैं, IITians आए हैं, IIM के आए हैं, हर तरीके का आदमी आया है एंड दे हैड सेम थिंग टू शेयर. सो मैं कहूँगा ये फॉर्म हैज बीन amazing transformative you know kind of tool for me. So theater garage project uske baare mein bhi zarur bataiye, aapka non profit trust basically hai kya aur iska maqsad kya hai? Basically it tha ki hum natak karenge, theater karenge aur theater ko as a social tool bhi use karenge, na ki sirf natak karke khatam kar liya. To uske तहत all over India काफी project हुए, हमारे collaborations world में काफी हुए. तो जो difficult background में है, जो कश्मीर में काफ़ी प्रोजेक्ट किए मैंने, जम्मू में अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया रिफ्यूजीज के साथ, एक हमने कैंसर चिल्ड्रन कैंसर है या सलाम वाला ट्रस्ट वालों के साथ या चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स के साथ GB रोड में. तो ये सब जगह क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके अंदर ना आप दिस अ ब्लॉकेड विच हैपन्स विद ट्रामा, तो वो एक तरह को जम जाता है. जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कश्मीर जाता हूँ, अभी कल भी जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ वहाँ पर ट्रामा बहुत है. तो ट्रॉमा को दूर करने का तरीका क्या है, आप उसको ह्यूमर के थ्रू डील कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे थेरेपी, थिएटर एज ए थेरेपी. और थिएटर का बहुत बड़ा योगदान वर्ल्ड में इस समय है इवन डेवलप करने में. तो वही इस्टेब्लिश करने करके हमने इस पर प्रोजेक्ट चलते रहते हैं एंड वी वेंट बियॉन्ड ओनली प्रोड्यूसिंग प्लेस. वी थॉट कि इट शुड बी मोर ट्रांसफॉर्मेटिव टू द सोसाइटी. उसमें कैसे हम एक नई चीज़ लाएँ कि लोगों को एक नया एक्सप्रेशन मिले अपने ट्रॉमास को डील करने के लिए. एक मुलाकात मंटू से. और आप सबको मैं बता दूं, अश्वथ भट्ट जी थिएटर प्ले करते, सोलो प्ले उनका एक मुलाकात मंटो से, जिसमें वो मंटो के अफसाने तो बहुत कहे गए लेकिन मंटो की शख्सियत को, उनके किरदार को अभी तक नहीं. नंदिता दास की मूवी अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ आई थी, आपका ये उससे पहले मंटो से मुलाकात कैसे हुई ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं दुनिया भर में, मंटो ही क्यों उन्हें चुनने की वजह? आई एम वेरी क्विक बिकॉज टाइम बहुत कम है, बहुत लंबी चीज़ है. मंटो के बारे में बोलना शुरू करूँगा तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट इट. बिकॉज 1996 और 1997 में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मंटो. जब मैंने उनको पढ़ा, किसने कहा कुछ कहानी करनी थी हमें, तो उन्होंने कहा कि इनको पढ़िए. क्या क्या है मैं पढ़ा तो मैं पढ़ता ही रहा. मंटो नामा एक किताब थी, उन दिनों आती थी, तो उसको पढ़ता गया एंड देन आई कुड नॉट लीव इट. देन सडनली फेल्ट कि ये तो सब जगह हो रहा है वर्ल्ड में, या मेरे साथ हमने भी ऐसी कहानियाँ देखी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर. सो एज ए क्लासिक है, अब समझ भी नहीं थी. तो लोगों ने ये भी कहा कि अरे मंटो को क्यों कर रहे हो, कौन करता है मंटो? तो लॉट ऑफ सीनियर थिएटर डायरेक्टर्स नहीं नहीं अशोक मंटो मत करो, या कुछ और करो, प्रेमचंद करो, बाकी चीज़ करो, परसाई करो, ये सब करो. नहीं, मैं भी था ना कि मतलब मैं जिद्दी आदमी था, तो मेरे को जो चीज़ करने को ना बोला जाएगा मैं वही करूँगा. तो मैंने कहा कि नहीं करें करूँगा तो मंटो ही. तो मैंने पहली कहानी बड़ी खतरनाक बनाई थी, वो ठंडा गोश्त था, तो इतनी खतरनाक कहानी थी और वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुई थी. इनफैक्ट उस दौर की बहुत हिट चली थी. एंड देन आई फेल्ट कि एवरीबॉडी सेइंग सो मच अबाउट मंटो कि नहीं इसको फहश है, ऑब्सीन है ये. तो देन इट क्रिएट मोर इंक्विजिटिवनेस, हाई इंक्विजिटिव हमेशा. तो मैंने पढ़ना शुरू किया, उतने मेरा NSD में एडमिशन हो गया. तो जो NSD ऑल्सो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड क्रिएटिंग. देन आई सेड कि मंटो के अफसाने भी लोग कर रहे हैं लेकिन मंटो के बारे में एक मिसकंसेप्शन है. सो लेट्स गेट टू द पर्सन इटसेल्फ. सो उस उतने में मैं लंदन पहुंच गया. तो फिर मैंने रिसर्च करते करते उनका दस्तावेज पूरा पढ़ा लाया जो राजकमल पे था. तो उसको पढ़ने के बाद देन इट्स क्योंकि मंटो ने जो लिखा वो परफॉर्मेटिव नहीं था, एक्सेप्ट कुछ रेडियो प्लेस थे, कुछ प्लेस थे, कुछ खास बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज थी. तो उनके आर्टिकल भी थे. तो मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, दीवारों पे लिखना, मंटो, कल सुबह जब मेरी आँख खुली, दीवारों पे लिखना. तो अब इसको ऐसा एक परफॉर्मेटिव टेक्स्ट बनाना था. तो देन एक पहला जो इसका शो वो नेहरू सेंटर लंदन में ओपन किया मैंने 2002 में. मैं करिए 22 सालों शो था. तो करते करते उसमें खोल दो आई, तो इट केप्ट ऑन गेटिंग डेवलप्ड. फिर मैं पाकिस्तान आई वेंट मेनी टाइम्स. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं लक्ष्मी मैंशन में रहा हूँ और वहाँ राजाओं बैठते थे, लिखते थे. तो घर आज है नहीं, मकान बिक गया, तोड़ दिया, कोई गंदा सा कोई मॉल बन गया सुना मैंने. तो
वहाँ जाने का मौका मिला. देन दिस वॉज बिकॉज आई फेल्ट इट्स सो रेलिवेंट एंड देन आई थिंक आई मस्ट हैव इंट्रोड्यूस मंटो टू लैक्स ऑफ पीपल 100,000 पीपल मोर देन दैट क्योंकि मेरे को बहुत ये था कि इनके बारे में और फिर जर्मन में देखा इनके ट्रांसलेशन मिले फ्रांस में देखा अलग अलग जगहों में इसको शोज किए इसके तो इसलिए तो काफ़ी मतलब ये पैशन है मेरा मंटो इस चीज़ के लिए. कितना कितनी मेहनत कितना चैलेंजिंग था क्योंकि मंटो को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल. तो क्या मंटो रच बच गए? वो भी सर फिर थे मैं भी सर फिरा हूँ तो आसान था? आसान तो नहीं था लेकिन सोलो शो करना ही अपने में आसान नहीं होता है. लेकिन क्योंकि अब मंटो काफ़ी फ्लेवर में आ गए. मैं उस दौर की बात करता हूँ कि मंटो को छूता नहीं था कोई. आज मंटो फ्लेवर हो गए हैं. आज मंटो PhDs हो रहे हैं फिल्म भी नंदता ने की. इनफैक्ट जो शुरू की थी उन्होंने तो मंटो मुझे ऑफर किया था करने के लिए. हाँ तो उनका फ़ोन आया था तो फिर अचानक कुछ बात हुई पता नहीं क्या हुआ. फिर कंस्ट्रेंट्स ऑफ मीडिया तो वो भी होते हैं फाइनेंसिस भी होते हैं. तो नवाज को इनफैक्ट आई डिड अ पार्ट वो लास्ट पार्ट उस फिल्म का मैंने किया. वो लास्ट कास्टिंग थी उसकी. तो उन्होंने कहा एक काजमी का और उसका लॉयर का कर लो प्लीज आप मंटो फिल्म बनेगी आप नहीं दुखोगे उसमें कैसा लगेगा. मैंने कहा आ जाता हूँ कर दूंगा मैं. तो नवाज ऑल्सो सेट किया आओ यार करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है करते हैं इसको. तो ये डिफिकल्ट नहीं रहा क्योंकि मेरे जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ जिस मैं क्योंकि मैंने इंग्लैंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जोन के लोगों से काम किया फ्रॉम श्रीलंका वियतनाम कोसोवो. मैं ट्रैवल भी किया हूँ काफ़ी जगहों पर अपनी जर्नी भी रही और भी सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन में देखा कहानियाँ जैसी हैं. जब सर बता रहे थे कि वहाँ पर ऐसे वो मारा इसको किया कहानियाँ वही हैं हर जगह. सिर्फ रिलीजन बदल जाता है एथनिसिटी बदल जाती है ह्यूमन जो किरदार बिहेवियर जो है वो सेम है उसमें स्टोरीज वही थी. तो मैंने कहा इस सब सारा संसार ही अपने अंदर है दुख जो मैच को मैं नो वी ऑफन यू टू बी इंक्लूसिव. अक्सर मैं मेरे साथ ही हुआ मेरे साथ ही मैं अरे इसके आगे भी देखो. सो इन द बेस्ट वे टू लूज योर पेन इज टू एम्पथाइज. एम्पथी इज अ वेरी बिग थिंग. सो गेट बियॉन्ड योर पेन. सो दूसरों के आप जो चीज़ को एम्पथाइज करते हैं ना तो आप लाइट हो जाते हैं. तो उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी उस वक्त उनकी बेचैनी क्या आप महसूस कर पाए? बिल्कुल क्योंकि वो मैं उससे गुजर चुका हूँ और मैं अभी भी फील करता हूँ जैसे इनने बताया कि सर ने कि वो दलित का या बाकी चीज़ें जो अभी भी होती हैं मतलब मैं उसको ज़्यादा एम्पथाइज कर लेता हूँ फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी करता हूँ लेकिन देन आई टू आई फाइंड इट अटैचमेंट टू इट अदरवाइज यू विल गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट. क्योंकि वो शख्स कि छोटी छोटी लाइनों में क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे अफसाने हैं एक लाइन के दो लाइन के अफसाने भी हैं उसमें. तो वो बहुत बड़ी बात जो बड़े बड़े मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी किताबों में कहीं उन्होंने कुछ एक तो सफ़े में बोलती है वो बात है इंसान के बारे में. किस समय निक्रोफेलिया के बारे में लिखा उस ज़माने में जब सोचिए क्या वक्त था या खुल दो देख लीजिए आप या वो देख लीजिए वो कितनी कमाल की कहानी है जो आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं. सो जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को डेल्ट करना तभी वो और वो उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो कभी इंसान से अलग अलहदा हो ही नहीं सकती. इंसान अपनी यू नो क्या कहते हैं बुरी हरकतें आसानी से छोड़ने वाला दिन ब दिन तो देख रहे हैं हालत क्या हो रही है. तो मंटो विल आई सेड ऑफन सेड कि द डे मंटो विल नॉट बी रेलिवेंट दैट विल अ ब्यूटीफुल डे क्योंकि उस दिन दुनिया सुधर गई होगी. तो मैंने कहा इसलिए जिस दिन मंटो रेलिवेंट नहीं रहेंगे उस दिन समझो हम सुधर गए. एक मुलाकात मंटो से आपका फेवरेट डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे? बहुत सारे हैं तो मतलब सारा ही वो अच्छा लगता है मुझे. वो कहते हैं ना वो यहाँ सादत हसन मंटो दफन है उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन है. वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा. फिर वो कहते ना उसको अच्छी लाइन बताता हूँ को जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए. अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है. मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं. जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है. मैं सियाह कलम नहीं इस तरह से काफी कुछ है उसमें जिसमें आप ये भी कहते हैं मैं मंटो का हमजा हूं मैं जिल हूं मंटो का. और मेरे को काफी लोग कहते हैं इनफैक्ट मैं आज कहना चाहूंगा कि दो लोगों ने आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट आदमी मानता हूं क्योंकि दो लोग ऐसे मेरे ऑडियंस बने मंटो में इस शो में ज
जिन्होंने मंटो को देखा था। एक थे श्याम, जो एक्टर थे जिनकी फिल्म में भी जिनकी डेथ हो जाती है, उनके छोटे भाई जो आए थे, तो वो आए थे देखने के लिए दिल्ली में। और एक थे रफ़ी पीर साहब की वाइफ लाहौर के शो में, जिन्होंने खाना तक उनको खिलाया था, क्या मंटो है। तो उन्हें दो कॉम्प्लीमेंट मेरे पास बहुत कमाल के आए और मैं उनके लिए बहुत खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, आई वेरी फॉर्चुनेट। शी सेड, बेटा मैंने मंटो भाई को आज जिंदा देखा 50 साल बाद। हाँ। तो मैं आंखों से मेरे आंसू निकल गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने काफ़ी कुछ बताया, और जो उनके शाम के ब्रदर थे उन्होंने कहा कि मुझे लगा ही नहीं कि वो सामने नहीं बैठे, मुझे लगा ये सामने बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, दैट्स ऑल। उनकी बेटियाँ सब लोग, उनने क्योंकि उन्होंने उतना देखा नहीं था, उनको 3-4 साल की थी उस समय, लेकिन जो उनके बाकी बताते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तो कार्बन कॉपी है। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। वक्त का तकाजा है और शायद बहुत कुछ, बहुत सवाल तो मेरे पास बहुत है आपके लिए अशोक जी। मैं मंटो करूंगा इस शहर में, अगर मैं मंटो पर ही बहुत मुझे मेरा मन था कि लंबी बात होती आपके साथ, लेकिन इस शहर के बारे में आप आते रहते हैं, कश्मीर ने आपकी शख्सियत को क्या दिया और आप डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं, चंडीगढ़ के बारे में और चंडीगढ़ के लोगों के बारे में आप क्या? Very nice, you know, outings, whatever. My, you know, coming to Chandigarh has been always nice. मैं documentary करने आया एक बारी cricket के साथ, team के साथ, cricket team के साथ, nine channel line के लिए, shoots के लिए आया, कभी कुछ, तो आज literary function के लिए, तो Chandigarh has been very nice to me always, and I find this city so warm and welcoming. बस थोड़ा सा rock garden ठीक कर दिया, मेरे बचपन की memory है, तो इस बारी गया तो बहुत दुखी हुआ वहाँ पे, तो उसको ठीक करवा दीजिए, मैं मेरी request है। But I just really felt bad going there. You know, I felt, why can't we keep it like nice? वो मुझे लगा खाली। बाकी तो it's a lovely place. अगर दो मिनट आप दे सके मामा, तो कुछ सवालात हम, मैंने कहा था अगर किसी के ज़हन में है कोई सवाल तो आप जी। आप इतने intense roles करते हैं with lots of shades of grey. आपको वो emotionally कहीं hit करते हैं क्या? How do you deal with that? Yes, of course. आपको उस मोमेंट पर तो आपको you go through it, you know, it's very taxing, it takes lot out of you. Intense role करने के बाद आपको काफ़ी कुछ होता है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर से काफ़ी कुछ मतलब you have to invest a lot. So how do you deal with it? हो जाता है फिर एक craft is very, you know, craft is very important. तो वो handle करना सिखा देता है चीज़ों को after a point. तो वो मैं सीधा craft पे साथ डालूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग इसी चीज की जाती है कि आप उस चीज को हैंडल कर पाए। मंटो के किरदार से भी निकल पाते हैं? हाँ, मतलब नहीं तो मंटो हाँ, मतलब मंटो तो खैर बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा। सो यू सेड यू स्टार्टेड विद राइटिंग, डू यू स्टिल राइट एंड यू प्लान टू यू नो कम बैक इन अ न्यू अवतार एज एन ऑथर मे बी? I have written an anthology right now. Because I write for myself. I often say that. मेरे को अगर आप कहें कि मेरे लिए फिल्म लिख दो तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, unless वो वैसी कहानी होगी जो हाँ मुझसे कहा जाएगा आप अपनी कहानी दीजिए तो मैं कुछ दे दूँगा। तो there's lot of collection of stories which I have done from so many years. But यह है कि मैं ऐसा लिखता हूँ जो अगर वो पहले लिखा गया है सेलुलॉइड पे, सिनेमा देखा गया, तो मैं उसको वहीं फाड़ देता हूँ। और जो नया होता है उसको प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि वो आप ब्रेक कर रहे होते हो, एक मसाला मैं लिखता नहीं हूँ, तो इसलिए वो समय लगता है। लेकिन एंथोलॉजी इज राइट नाउ अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट, बिकॉज कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए आपने एक तरह का फिल्में देखी हैं, वही सेम चीज़ रिपीटेटिव। सो आई थॉट कि देयर सो मेनी ह्यूमन स्टोरीज विच इज नथिंग, विच इज कॉन्फ्लिक्ट इज बैकग्राउंड, बट ह्यूमन स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप्स, अबाउट you know, people helping and kind of children. So ऐसी 5-6-10 कहानियाँ, जिसमें से 6 अक्सर लोग कहते हैं ये 6 तो बना ही डालो, तो वो कोशिश की जा रही है उसको लाने की। OTT पे ही आएगी क्योंकि ऑब्वियसली एंथोलॉजी है, तो नेटफ्लिक्स से किसी पे आएगी। We look forward. Thank you, ma'am. Yes, sir. I have a question from you. आपने मुख्तलिफ किरदार निभाए, बखूबी निभाए। I am born to a
Kashmiri Brahmin. My mother, she was a Kashmiri Brahmin, so I have been, I have seen, I am both, my dad is Brahmin. So, as if I know Kashmiri Brahmin families, how did you convince your parents that you should, I want to go to acting because they are more or less more pressing for ki tum padhai kar lo, acting karne mein kya banega? So, kaise convince kiya aapne? कश्मीर इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बट एज सच पंडित और मुस्लिम आई वुड से कश्मीर में वैसे ही द फोकस ऑन एजुकेशन इज लॉट दैट इज व्हाट आई एम या इसको खाना नहीं खाएंगे लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा तो ये बहुत हर जगह है इनफैक्ट जो अगेन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे जितनी गर्ल एजुकेशन कश्मीर में एडवांस गर्ल्स एजुकेशन एडवांस है उतनी शायद हमारे देश में नहीं है तो मैं अक्सर उनके लेक्चर जाता हूँ देने के लिए अलग अलग स्कूल्स में गर्ल्स स्कूल्स में मैं देख के हैरत में हूँ गाँव देहात में जाता हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग डरते हैं जाने में छोटी छोटी जगहों पे भी स्कूल्स हैं तो खैर आपके सवाल का जवाब ये है कि एक तो मैं क्लियर था कि मुझे यही करना है और फिर एक वक्त बाद रिश्तेदारों ने मेरी माँ से माँ बाप से कहना शुरू कर दिया तुम्हारा छोटा बेटा पागल हो गया है तो ये जिस समय लोग खाने को रोटी नहीं थी और लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टरी इस टाइम डॉक्टर्स इंजीनियर बन रहे थे मेरे सारे दोस्त इंजीनियर बन गए थे IIT पहुँच गए थे कहीं कहीं पहुँच गए थे उस समय मैंने MBA क्लियर करके छोड़ दी थी तो ऐसे कि नहीं मैं तो यही करूँगा मुझे यही करना है तो इट्स जस्ट अबाउट कन्विक्शन वन शुड हैव कन्विक्शन इन लाइफ और यंग पीपल कम टू मी जैसे कि भैया सर हमें ये करना है और घर पे नहीं मैं कहना आप पे प्रॉब्लम है आप में उतनी शिद्दत नहीं है कि आपके माँ बाप आपसे कन्विंस हो जाए आप उनको लगता है कि हीरो बनने निकला हुआ है आप उतनी कन्विक्शन दिखाओ उतनी डेडिकेशन दिखाओ उतनी मैडनेस दिखाओ अपने जुनून को पैशन को कि वो कन्विंस हो आपके प्रति तो मेरे केस में I was a bit fortunate. Mom didn't have that many reservations. Unko dad ki thodi reservations thi. But then, main bahut ziddi insaan raha. Toh karna hai, toh karna hai, koi kaam nahi. Mummy was jor deva. And na, mummy was jor deva. Ki bilkul nahi. They were not. He was saying, did your mom beat you up? No, in fact, they were very proud of you. Dekhiye, main wahi keh raha hu na aapse. You have to get on with your plan A. If you make plan B's in life, plan B's happen. So. ऑलवेज याद रखिए आप प्लान बी में जियोगे ना प्लान बी बनता रहेगा लाइफ में प्लान ए पे आओ और प्लान ए को डेडिकेटेड तरीके से आप एक्सिक्यूट करो मैनिफेस्ट करो उसको उस पर लग जाओ वो होके रहेगा मैं नहीं मानता नहीं होगा राधे थैंक यू सो मच मैम एवरीबडी हियर आई एम सो हैप्पी दैट अफान वॉज वेरी परसिव मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गया नहा धोके मैंने कहा कि मैं शूट पे हूँ सो एंड आई नो क्या कहते हैं एक चीज़ ऑर्गेनाइज करना एक चीज़ को चलाना इतने साल कितना मुश्किल है एंड आई रियली काइंड ऑफ अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव्स मैम और आई होप दिस गोज बिगर एंड बिगर इन कमिंग इयर्स और ये क्या कहते हैं और सदा थॉट्स का आदान प्रदान हो जहाँ पे और मैं आज इतना खुश हुआ ऐसे सेशन पे आ गया जो सर का था तो मैं मतलब आई वाज टोटली एब्जॉर्ब इनटू इट पंजाबी पूरी समझ आ रही है हां हां थोड़ी बहुत इक्का दुक्का वर्ड यहां हुआ लेकिन जो एसेंस है उसका वो समझ में आ गया वो बहुत एसेंसी है फीलिंग वाली बात है ना पोएट्री लैंग्वेज नहीं है यू फील पोएट्री सो यू हैव टू रीड यू नो सो इट वाज वेरी नाइस बस इतना बोलूंगा कि जब भी आपके घरों में कोई या आपके आसपास कोई आपको दिखे कोई बच्चा ये मेरा आखिरी भरत वाक्य यही रहेगा आज का कहीं कोई आप किसी से टकराए जिसमें टैलेंट आपको कुछ थोड़ा ना उसको उसका टैलेंट निकालने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प थोड़ी सी कर दीजिए क्योंकि उनमें से कोई आरामन बन सकता है उनमें से कोई और बड़ा कोई आर्टिस्ट बन सकता है बालसुब्रमण्यम बन सकता है कोई भी हो सकता है जाकिर हुसैन बन सकते हैं तो ये जरूर करिए क्योंकि अक्सर टैलेंट को दबाने के लिए 50 लोग आगे आ जाते हैं टैलेंट को उभारने वाले कम आते हैं क्योंकि आप जो है हमारे दिक्कत हमारे देश में अपने फियर जो पेरेंट्स के हैं वो बच्चों में निकाल देते हैं अपने फियर जो होते हैं वो बच्चों के थ्रू जिनका उनको फियर्स मत दीजिए उनको फियरलेस बनाइए सो समवेयर आई वुड से माय पेरेंट्स मेड मी फियरलेस In some way. My father from childhood, of course, he kicked me to campings and this and that, khatarnaak jagahon pe, ki jao. Aur fearless hona bahut, and fearless will not happen one day, suddenly aap fearless ho gaye, aisa nahi hota hai. So you have to, usko bhi practice karna padega, usko bhi aapko dheere dheere apne fears nikalne. Saap ka fear tha, to mere ko ek saal laga us saap ka fear nikalne mein. Phir finally maine saap pakadne chalo. Kam se kam 5-8-10 saap daal liye gale mein. Aur photo khichwa li. Kyunki maine thaan rakhi thi ki mujhe is saap ka dar nikalna hai. ऐसा नहीं कोई सांप आएगा तो मैं उसको प्यार करूंगा कुत्ते की तरह ऐसा नहीं होगा लेकिन मतलब ऐसा था कि मैं चक्कर खा के गिर जाता था तो मैंने कहा कि ये डर निकालना जरूरी है भाई और कोई डर आपका नहीं निकालेगा आपको ही निकालना पड़ेगा
तो मुझे जहाँ सांप पूंछ पकड़ी, हाथ पकड़ते 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 ऐसे हाथ दिख रहा था, फिर करके उस डर को निकाल दिया। तो उसके लिए वो करना पड़ता है, शिद्दत से आपको लड़ना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है, जो मैंने चंद अरसा पहले लिखी थी, लिटरेटी है ना, तो इसलिए सब लिखने की तो एक छोटी सी चीज है। सर के सामने हिमाकत कर रहा हूँ मैं बताने की, न सोचो तुम्हारे ख्वाबों के दफन होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। न सोचो तुम्हारे ख्वाबों के दफन होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या पता तुम्हें देख देख कर कोई अपना ताजमहल तामीर कर रहा। सो यू नेवर नो कि आपको देख के कौन इंस्पायर हो रहा हो और आपको लगता है आपने किसी कुछ दिया ही नहीं लाइफ में। So, it's very important. So, I'm going to start talking.